Welcome back to the Home Academy. This is the fourth part of the video, and in this video we will discuss about the atmosphere. We will see various layers of the atmosphere and the important multiple choice question related to this, and I will read you about the summary of the NCERT books and the some important books which is necessary for JKSSB exam, and I will discuss some important question from the various competitive examination. So let me start from atmosphere. So what is atmosphere? An atmosphere is a layer of the gases surrounding the earth. Atmosphere एक ऐसी layer है जिसमें gases होती है जो earth को surround करती है. It separates approximately 1600 kilometer from the surface level of the earth. Earth के जो surface जो level है earth का, उससे ये 1600 kilometer above तक atmosphere होता है. तो इसके अंदर जो gases होती है उनमें important gases है, 78% nitrogen होता है. उसके अलावा 0.84% actual जो इसकी figure है. उसके अलावा हमारे पास oxygen होती है जिसका 20.946% होती है oxygen. फिर हमारे पास आर्गन होती है जिसका रेशियो है 0.934% आर्गन होती है. तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.039% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. उसके अलावा हमारे पास नियॉन होती है, ठीक है. फिर हमारे पास हीलियम होती है, मीथेन होती है, इसी तरीके से क्रिप्टॉन होती है, हाइड्रोजन होती है. ये कुछ ऐसी गैसेज है जो हमारे एटमोसफेयर में होती है. तो अब ये देखेंगे कि इनका जो परसेंटेज है ये आपको याद रखना है. एमसीक्यू में पूछी जाती है ऑक्सीजन की परसेंटेज या नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है. तो ये कम से कम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड तक तो आपको याद रखना है. बाकी उनका मैंने रेशो नहीं लिखा, वो बहुत कम कंसंट्रेशन में होती है, 0.0001 फ्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन में होती है. उसके अलावा जो वेपर है वो मिलते हैं हमारे लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में और वही काज करते हैं रेन और द हेल स्टॉर्म. तो पहले हम ये देखते हैं नाइट्रोजन का क्या काम होता है. इसमें जो नाइट्रोजन होती है इसकी जो परसेंटेज है वो मैंने लिख दी. उसके अलावा ये 100 किलोमीटर तक पाई जाती है, उससे ऊपर नहीं मिलती, ठीक है. जो हमारी ऑक्सीजन है ये भी 100 किलोमीटर तक. फिर हमारा जो ये है और कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर ये जो नीचे तक है ये 50 किलोमीटर तक ये वाली गैसेस मिलती है एटमॉस्फेयर में. तो अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है इन गैसेस की, इनके कुछ फंक्शंस है वो क्या है. देखिए नाइट्रोजन, पहला जो नाइट्रोजन, ये पहली बात, नॉट वेरी एक्टिव केमिकली, ये केमिकली एक्टिव नहीं है, केमिकली इनएक्टिव है, यानी किसी केमिकल के साथ मिलता नहीं है, ठीक है. और ये किसमें मदद करता है, रेगुलेट करता है कंबशन प्रोसेस को. कंबशन का जो प्रोसेस होता है उसे ये रेगुलेट करता है, ठीक है. और ये एंटर होता है सॉइल में, प्लांट्स में एंटर होता है नाइट्रोजन. आपने सुना तो होगा कैसे एंटर होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ये एंटर होता है नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स में थ्रू द सॉइल. सॉइल में ये मिल जाता है तो वहाँ से एंटर होता है. फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ऐसी गैसेज है जो कि केमिकली एक्टिव है, यानी कि ये हाइड्रोजन के साथ मिल रही है तो वाटर बना रही है, तो हम ये बोल सकते हैं केमिकली एक्टिव है. कम्बाइंस रेडिली विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ रेडिली ये कम्बाइन हो सकती है. और ये जो रिलीज़ होती है बाय द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट से ये रिलीज़ होती है. किस प्रोसेस से, जब प्लांट में जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है. और एनिमल्स इसको यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग इसे यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन एक ऐसी गैस है ये केमिकली इनएक्टिव है, तो इसकी बहुत कम होती है, इनएक्टिव है, बस ये याद रख लेना. तो इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एब्जॉर्ब करती है हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इन द एटमॉस्फेयर. जो हीट रेडिएशन आ रही होती है अर्थ पर, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, तो ये उन्हें एब्जॉर्ब करती है. तो बस ये याद रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट इतना ही है इसमें. तब मैं चलता हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आप ऐसे ही नोट करें. तो जी मिक्सचर का गैसेस मैंने बोल दिया कौन कौन से इसमें गैसेस होती हैं. उसके अलावा जो वेपर होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, लोअर पार्ट में मिलते हैं एटमॉस्फेयर की, लोअर पार्ट में मिलते हैं वेपर एटमॉस्फेयर के, ठीक है.
जो वेपर क्या करते हैं, फिर रेन जो होती है या जो हेल स्टॉर्म होते हैं वो भी इन्हीं वेपर की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो डेंसिटी होती है, ये मैं जनरल जो है वो कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी बुक्स में से है वो ही आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए जो डेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगी, ये जनरल ऑर्डर है। फिर हम जो एटमोसफेयर की जो लायर है, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, उसमें हम अलग से देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो उसके अलावा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है विद द इंक्रीजिंग द हाइट, ये भी एक जनरल ऑर्डर है। जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे हम हाइट बढ़ती है। याद रखिए ये जनरल ऑर्डर है, जब हम अलग से लायर पढ़ेंगे तो उनमें कुछ कहीं कहीं टेम्परेचर इन्वर्शन हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट है होता है, वो पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं इस किस्म के क्वेश्चन। तो उसके अलावा जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेसेस पे, और ये जो डिफरेंस होता है प्रेशर में ये क्रिएट करता है मोशन, इसमें ईयर की मोशन, ये ईयर में मोशन क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं फिर विंड। तो जो डिफरेंट प्रेशर होता है उसकी वजह से। तो उसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है वो एज अ ब्लैंकेट ऑन द अर्थ काम करता है, इट रिजल्ट इन द डे एंड नाइट, ये बनाता है ठीक है ना, टेम्परेचर जो होता है डे एंड नाइट का वो वेरी करता है, इसी वजह से एटमॉस्फेयर जो है इज लाइक अ ब्लैंकेट फॉर द अर्थ, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द डे एंड नाइट वेरीज। तो डे एंड नाइट किस वजह से बनते हैं, कल के आपको वीडियो में बोला था, रोटेशन की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से नहीं, रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो उसके अलावा जो हम जानते हैं एटमॉस्फेयर का जो है कुछ मास है, ठीक है, ईयर जो है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में ईयर है, ईयर का क्या होता है, कुछ मास होता है। अगर किसी चीज़ का मास होता है वो हमारे ऊपर है, जैसे हम बाहर निकले, घर से निकले या कहीं भी निकले, तो वो मास हमारे ऊपर आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या होता है, कोई वेट होगा मास की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी होगी। मास और वेट में क्या फ़र्क है, मास खाली एम है, एक्सेलरेशन एम इंटू जी है, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फ़र्क आता है, ठीक है। तो इसके अलावा अच्छा, तो हमें जो वेट है वो महसूस क्यों नहीं होता एटमॉस्फेयर का, वो इसलिए नहीं होता है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, सपोज ये हमारा एटमॉस्फेयर है, हम यहाँ पर हैं, ये हमारी बॉडी है, तो यहाँ पर जो ईयर है, एटमॉस्फेयर का जो मास है, यहाँ पर ईयर की वजह से, मास की वजह से प्रेशर है, वो हमारी बॉडी के अंदर भी उतना ही है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी उतना ही है। ये यानी कि कहने का ये मतलब, जो ये हमारा प्रेशर है वो यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से, यूनिफॉर्मिटी की वजह से हमें वो वेट वेट जो है वो महसूस नहीं होता। फिर हम ये कह सकते हैं, अब हमारे पास जो है कुछ एटमॉस्फेयर की कुछ लायर्स है, वो इम्पॉर्टेंट लायर्स है, जो उसमें से इम्पॉर्टेंट लायर्स है वो पांच ऐसी लायर्स है जो हम पढ़ेंगे। पहली लायर है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रोपोस्फियर, पहली लायर यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए ट्रोपोस्फियर। दूसरी लायर हमारी पास आती है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी लायर हमारे पास आती है मीजोस्फियर, फिर हमारे पास आती है आयोनोस्फियर, उसके बाद हमारे पास आती है थर्मोस्फियर। ठीक है, तो इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट है हर लायर्स में, वो मैं अब आपके सामने कह रहा हूँ। तो पहली लायर जो है ट्रोपोस्फियर है, इस लायर का क्या फंक्शन है, हम ये कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ, जो लाइफ है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी लाइफ है वो यहीं पर पाई जाती है ट्रोपोस्फियर में। तो इसका जो डिस्टेंस है ये 0 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक मिलती है, 0 to 8 किलोमीटर तक, ठीक है, 0 to 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, फिर 8 to 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर, उसके अलावा 50 to 80 तक मिलती है हमारी अगली मीजोस्फियर, फिर आयोनोस्फियर है जो कि मिलती है हमको 80 से, टू 600, फिर उसके बाद जो आती है थर्मोस्फियर। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात है ट्रोपोस्फियर में, उसमें क्या होता है, पहली तो इसकी जो थिकनेस होती है 8 to 16 होती है, सॉरी ये 8 to 16 है, ये 16, 0 to 16 नहीं,
8 टू 16 किलोमीटर तक होती है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यह है कि जो थिकनेस है वो 8 टू 16 किलोमीटर होती है, और जो थिकनेस होती है वो लो होती है एट पोल्स, लो एट पोल्स थिकनेस है वो लो होती है कहाँ पर, पोल्स पे, और हाई होती है इक्वेटर पे। तो हमने पोल्स क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, वो तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, यानी कि पार्ट थर्ड में हमने पढ़ा हुआ है वो। तो इसके अलावा जो थिकनेस होती है वो लेस होती है इन विंटर और मोर होती है इन समर, मोर इन समर, ठीक है। तो इट कंटेन्स द 3/4 ऑफ द टोटल मॉलिकुलर मास ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसके अंदर जो है तो टोटल ये 3/4 है मास, मॉलिकुलर मास एट पूरे एटमॉस्फेयर का। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट हम बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जनरल ऑर्डर को ये फॉलो करता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो हाइट बढ़ जाती है, जो हमारा जनरल ऑर्डर उसी ही को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है जो भी वेदर के फिनोमिनान होते हैं, जो भी हमारा ये एटमॉस्फेयर है इसमें बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, ये जो भी वेदर के फिनोमिना होते हैं वो किस में होते हैं, हमारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो इसमें एक और बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ते आगे हाइट पे जाते हैं, आल्टीट्यूड हमारा बढ़ता है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, पर कितना, 165 मीटर अगर हम बढ़ते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर और मैं किलोमीटर की टर्म में बात करूं तो 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री कम होता है। तो यही वजह है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात करूं, वहां पर ठंड क्यों होती है यहां पर, क्योंकि ये हाइट पर है, ठीक है। तो और इस जो ये रेट है, ये जो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री बढ़ रहा है, इस रेट को हम बोलते हैं लैप्स रेट। तो लैप्स रेट क्या होता है ये भी आपको एक आइडिया सा मैंने दे दिया। अब है स्ट्रेटोस्फीयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेटोस्फीयर, वो इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे जो ओजोन पाई जाती है, इसमें एयरक्राफ्ट इसमें फ्लाई होते हैं। तो 16 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर तक होती है, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी इन हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें जो हॉरिजेंटल जो डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर की होती है वो यूनिफॉर्मिटी होती है। उसके अलावा इसमें तीन इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पूछी जाती हैं। नंबर एक बात, इसमें टेम्परेचर इन्वर्शन होता है, टेम्परेचर इन्वर्शन क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्शन का मीनिंग, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है हाइट डिक्रीज हो रही है, यानी उल्टा मैंने लिख दिया, हाइट की टर्म लिखा तो ठीक है मगर ऐसे लिखना था, हाइट अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जो कि जनरल ऑर्डर नहीं था। जनरल ऑर्डर क्या था, हाइट ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो जनरल ऑर्डर क्या था, हाइट ऊपर जाए जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, मगर इसमें टेम्परेचर इन्वर्शन हो जाता है, यानी कि इसका उल्टा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट कंटेन मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन, इसके अंदर जो ज़्यादा ओजोन होता है और एटमॉस्फेयर में जो भी ओजोन है वो इसमें पाया जाता है, जिसका अपर पार्ट होता है, इसलिए हम इसको ओजोनोस्फीयर बोलते हैं, ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है, ये जो पार्ट होता है इसमें डस्ट नहीं होती, ठीक है, डस्ट पार्टिकल नहीं होते, जो भी एटमॉस्फेयर में टर्बुलेंस होती है वो इसमें नहीं होते, जिसकी वजह से ये फेवरेबल है एयरक्राफ्ट के फ्लाई करने के लिए। तो एयरक्राफ्ट जो है वो किस में फ्लाई होता है, इसी लायर में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। फिर हमारी अगली लायर आती है मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर में क्या होता है, अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, पहली बात, ठीक है, इसमें जो है टेम्परेचर वो डिक्रीज होता है हाइट से, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे ही हाइट बढ़ती है, ठीक है। जो अपर बाउंड्री है मेसोस्फीयर की वो कोल्डेस्ट होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, अपर बाउंड्री इसकी कोल्डेस्ट होती है, ठीक है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो तकरीबन -85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर हमारी आती है अगली आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर में क्या होता है, रेडियो के लिए इम्पॉर्टेंट, रेडियो कम्युनिकेशन जो होती है यहाँ से होती है। तो हाइट जो है वो तो मैंने कह दी, ठीक है, इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज आइंस होते हैं, इसके लिए चार्ज आइंस होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही होती है वो इसके अंदर होते हैं, यूज फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट से, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अगर हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कोल्डेस्ट टेम्परेचर, फिर दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड है जो ये फॉलो नहीं कर रहा।
जनरल ट्रेंड जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्शन सा हो रहा है यहाँ पर भी। तो मोस्ट मेटेराइट्स जो भी होते हैं बर्न अप हियर अपॉन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, जो भी मेटेराइट्स होते हैं वो इसमें जब आते हैं तो यहाँ पर बर्न होते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हमारी जो अगली आती है वो आती है थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि एग्जोस्फीयर है, मैग्नीटोस्फीयर है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो थर्मो, थर्मो मतलब हीट, यहाँ से समझ लेना। तो इसलिए हम इसको एग्जोस्फीयर भी बोलते हैं, मैग्नीटोस्फीयर भी बोलते हैं। तो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ऑर्बिट इन दिस लायर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो एग्जोस्फीयर जो होता है अप टू द हाइट ऑफ 9600 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटोस्फीयर जो होता है वो आउटरमोस्ट पार्ट होता है इसका, एग्जोस्फीयर का जो आउटरमोस्ट पार्ट होता है इसको मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। हाँ, इस पार्ट में एक और बात है, जो डे टेम्परेचर यहाँ पर होता है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और नाइट टेम्परेचर 225 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी कितना ज़्यादा टेम्परेचर है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी हमने पढ़ा ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर किस पार्ट में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ठीक है। तो यानी कि 24 किलोमीटर तक होती है ये। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ओजोन गैस मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म एज ए सनलाइट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ये कब बनती है, जब सनलाइट है वो मिलती है ऑक्सीजन से, ठीक है। सनलाइट है वो रिएक्ट मिलती है, रिएक्ट होती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन एक रिएक्टिव गैस है वो, तो उससे क्या बनती है, हमारे पास ओजोन गैस बनती है, ठीक है। ओजोन गैस बनती है तो इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन। मैं लिख देता हूँ, इट प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ बाय क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है, किस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन ये आ जाता है किस लायर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल थी जिसे हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ताकि ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो, इसके लिए भी कुछ मतलब अगर ये डिप्लीट हो गई तो बहुत नुकसान होगा। तो एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल, तो इसके बारे में मैं कह दूं, ठीक है। वो सबस्टेंस जो डिप्लीट कर रहे थे ओजोन लेयर को, इसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उसके लिए प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि उसके लिए डेट है 16 सितंबर 1987 को ओपन किया गया था ये प्रोटोकॉल। फिर ये जो फोर्स हुआ था, एनफोर्स किया गया था इसको 1 जनवरी, ठीक है, 1989। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1989 में ही, जब ये इसे एनफोर्स किया गया था। और किस जगह हुई थी, हेलसिंकी, ठीक है। इसके अलावा जो डिक्रीज हुआ था ओजोन लायर में, ओजोन लायर की प्रोडक्शन में जो डिक्रीज हुआ था पहली बार जब देखा गया है वो 1970 में, ओजोन होल का तो आपने नाम सुना होगा, और तब ये कन्फर्म हुआ कि ओजोन जो लायर है वो डिप्लीट हो रही है। तो द मोस्ट मैसिव डिक्रीज हैव अकर्ड ओवर द पोलर रीजन, ज़्यादा जो था वो पोलर रीजन में देखा गया, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ज़्यादा डिक्रीज देखा गया। उसके अलावा जो मोस्ट मैसिव डिक्रीज जो था वो पोलर रीजन में हुआ था, तो वहाँ पर एक होल देखा गया जिसे हम बोलते हैं ओजोन होल, ठीक है। तो उसी के लिए जो था, अच्छा जो केमिकल्स थे उनकी मैं बात करूँगा, ऐसे जो केमिकल जो इनकी जो मतलब जो काज है जो ओजोन डिप्लेशन का, उसमें कौन कौन से आते हैं, तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कुछ एरोजल्स है, एरोजल है, प्रोपलेंट्स है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट गैसेज जो होती है रेफ्रिजरेंट में यूज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा जो ऐसे एजेंट जो प्लास्टिक पैकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं या जो क्लीनिंग फ्लूड्स में यूज़ होते हैं, वो सारे जो है वो इसमें आ रहे हैं। तो जो प्रोटोकॉल हुई थी 1987 में हुई थी, और उसे बोलते थे ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, इसमें 93 नेशन जो थे एग्री हुए थे
इनका जो ये जो केमिकल है इनका यूज़ कम करने के लिए। दोस्तों अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं अगर आपको बेनिफिशियल है ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डैश डैश काज इज़ द हाई टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो हाई टेम्परेचर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, जो हमने लायर पढ़ी उसमें, तो हाई टेम्परेचर जो होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि उसमें ओजोन लायर प्रेजेंट होती है, अल्ट्रावायलेट जो लायर होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है ओजोन लायर से। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन है। तो ऑल्टीट्यूड की वजह से हमने टेम्परेचर का कहीं इंक्रीज़ हो रहा होता है, कहीं डिक्रीज़ हो रहा होता है, कहीं टेम्परेचर इन्वर्शन हो रही होती है किसी लायर में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बोथ ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट है। दूसरा है, लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ, जो अर्थ है इस प्लेनेट पे जो लाइफ है पॉसिबल है बाकियों में नहीं है, तो क्या वजह है? बिकॉज ऑफ टेरिस्ट्रियल एटमॉस्फेयर, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कोल्ड एंड द शील्डिंग एफेंट अगेंस्ट द सोलर रेडिएशन। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो यहाँ तक नहीं आ सकती जो सेलर रेडिएशन होती है, और जो हमारा कंपोजिशन हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर कि लाइफ पॉसिबल है, इस वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं, वाटर है, तो ये कुछ रीज़न है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी ऑक्सीजन की गैस है, नाइट्रोजन है, जो एसेंशियल गैसेस है वो प्रेजेंट है। अब थर्ड ऑप्शन है, एटमॉस्फेयर इज़, देखिए एटमॉस्फेयर क्या है, शुरू में ही हमने डेफिनेशन पढ़ी, एक गैशियस एनवेलोप है डैश अराउंड अ सेलेस्टियल बॉडी। तो इसमें एयर कंटेंट ऑफ एनवायरनमेंट नहीं कह सकते हम, एयर गैसेस सस्पेंडेड पार्टिकल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो एक गैशियस एनवेलोप है, इसके अंदर बहुत सी गैसेस है, उनकी कंपोजिशन हमने पढ़ ली कौन कौन सी गैसेज है उसमें, उनकी परसेंटेज भी आपको याद रखनी है। ये जनरली कभी कभी क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान पूछे जाते हैं, उन्हें भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कंपोजिशन है कितने परसेंट है, ये बहुत बचपन से पढ़ रहे होते हो, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो ये परसेंटेज होती है ये याद रख लेनी चाहिए, कभी भी आपको पूछ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, द प्रोपोगेशन ऑफ द रेडियो सिग्नल इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई। बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि ये तो मैंने लायर्स में आपको बोल दिया, पहली ट्रॉपोस्फीयर है, दूसरा आयनोस्फीयर, तीसरी एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो आपका जो ऑप्शन होगा आयनोस्फीयर में होती है रेडियो प्रोपोगेशन के लिए, जो वेव्स होती है रेडियो सिग्नल जहाँ से कंट्रोल होता है, ये आपको मैंने पढ़ाते वक्त कह दिया था। तो ऑप्शन जो आपका है बी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंड्री लायर बिटवीन द ट्रोपोस्फीयर एंड द स्ट्रेटोस्फीयर। जो बाउंड्री लायर होती है ट्रोपोस्फीयर जो लायर होती है उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फीयर लायर होती है इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रोपोपास बोलती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बाउंड्रीज होती है बहुत, जैसे आयनोस्फीयर है, मेसोस्फीयर, इन सारों के बीच में अलग अलग बाउंड्रीज होती है जहाँ पर ये मिलती है लायर्स, तो इमेजिनरी ही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हर किसी के बीच में होती है, यहाँ पर पूछा गया ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, उसे हम कहते हैं ट्रोपोपास, तो ट्रोपोपास है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।